2018 का वाक्य है, करीब 1500 गाय बैल को बकिया बैराज नहर में ढकेल दिया गया था जिसका हमने रेस्क्यू किया था। ये घटना है मध्य प्रदेश के शहडोल की और इस रेस्क्यू को गौरव राली मिश्रा जी ने अंजाम दिया। वो अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान में ऐसे रेस्क्यूज करते हैं जिसे देख के किसी का भी दिल दहल जाए। 100 गाय बैल के झुंड को गांव वाले क्या करते हैं, तार की फेंसिंग में भूखा प्यासा रख दिए, फिर ऐसे ही धीरे धीरे बिना खाना बिना पानी के वो मर जाते हैं, घाटी में ढकेल दिया जाता है। शहडोल में 3-4 वाक्य ऐसा हुआ है कि गाय को बैल को विस्फोटक खिला करके मारा गया है, आंख फोड़ दी गई है, टांगी मार दी गई है। रीवा जिले के हनुमरा में करीब 8 गायों को जिंदा जला दिया गया था। अब इस तरह की घटनाओं को देखकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि जो लोग ये क्रूर काम कर रहे हैं उनका शायद मानसिक संतुलन ठीक नहीं, पर ऐसा नहीं है। लोग ये सोच समझकर जानबूझकर कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों? गौशालाओं में केवल उन्हीं गायों को रखा जाता है जो दूध दे सकती हैं, लेकिन बैल की हम बात करें तो क्योंकि बैल पूरी तरीके से अनुपयोगी हो चुके हैं वर्तमान में, तो 100% बैल सड़क में है, लावारिस है, या तो कचरा पन्नी खा के बीमार पड़ेंगे, या तो उनकी तस्करी हो जाती है, या तो उन्हें कत्ल खाने भेज दिया जाता है, या तो फिर वो पशु क्रूरता के शिकार होते हैं, या तो सड़क में बैठते हैं तो उनका एक्सीडेंट होता है। और गांव में भी यही स्थिति है, शासन की योजना के तहत इन्हें फ्री की गैस मिल रही है किसानों की, तो पूरी तरीके से किसान भी आधुनिक हो चुके, ये भी गाय बैल नहीं पालते हैं। पहले गाय का कंडा उपले से इनको कुछ फायदा होता था, लेकिन ना तो ये उपले के लिए बैल को पालते हैं, ना तो खेत की जुताई के लिए बैल को पालते हैं, तो शहर की ही तरह गांव में भी गाय बैल, गांव के घरों में भी, किसानों के पास भी गाय बैल आज की डेट में नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में ये पूरे के पूरे गाय बैल लावारिस हो चुके हैं, तो ये कहां जाते हैं, जैसे गांव के जो गाय बैल हैं ये फसलों की ओर रुख करते हैं, तो इन पर बहुत ज्यादा पशु क्रूरता होती है। अब आप और मैं इस समस्या के बारे में डायरेक्टली कुछ खास नहीं कर सकते, पर जो समझने वाली बात है वो ये कि ये गाय बैल सड़क पे आ रहे हैं डेयरी उद्योग की वजह से, डेयरी उद्योग चलता है हमारे पैसे की वजह से, तो कम से कम हम उनको ये तो कह सकते हैं ना कि भाई जब तक तुम इस समस्या को सुलझा नहीं लेते तब तक हम तुमसे दूध नहीं खरीदेंगे।